हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना एक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट जो कि डिसेबल्ड हो चुका है, उसको वापस ला सकते हैं सिर्फ दो फॉर्म्स को फिल करके। आपका अकाउंट जो कि फेसबुक ने डिसेबल कर दिया है, वो बहुत सी रीज़न्स की वजह से हो सकता है। इनमें से एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपने जो है कोई ऐसी पोस्ट शेयर की है जो कि फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। तो बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना होगा, उसके अंदर एक न्यू टैब के अंदर आपको सर्च करना होगा फेसबुक हेल्प सेंटर। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, आप उसके अंदर जो पहला लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे अकाउंट डिसेबल्ड। जैसे ही आप अकाउंट डिसेबल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, जिनमें से एक ये होगा कि अकाउंट जो कि डिसेबल्ड हो चुका है और उसको 30 दिन गुजर चुके हैं। अगर आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुए 30 दिन हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अकाउंट डिसेबल्ड क्लिक करना होगा, और उसके बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और इसके बाद जैसे ही नीचे जाएंगे, आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जो कि वो फॉर्म है जो कि आपका अकाउंट जो है मिस्टेकनली अगर डिसेबल हो चुका है, तो उसके लिए आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो कि आपने उस अकाउंट में दिया हुआ है वो दे सकते हैं, और उसके बाद आपको अपना पूरा नाम जो कि फेसबुक के उस अकाउंट पर है वो दे सकते हैं, और उसके बाद आपको कोई भी आईडी जो कि पासवर्ड और कोई भी आईडी कार्ड हो सकती है वो भी इसमें लगा सकते हैं। और इस सब के करने के बाद आप जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म फेसबुक के अंदर सबमिट हो जाएगा। एक और फॉर्म भी है जो कि आपको फिल करना होगा ताकि अकाउंट आपका रिकवर हो सके। इन दोनों फॉर्म्स के लिंक मैं आपको आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इनको क्लिक कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्म जो कि आपको फिल करना होगा वो ये है। जैसे ही आप इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, एक अकाउंट डिसेबल्ड ऑप्शन के नाम से आ जाएगा। उसके अंदर आपको आई अंडरस्टैंड एंड विश टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको आपका नाम और सरनेम के नाम से आ जाएगा। वहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे और फेसबुक के बताएंगे कि आपने वो जो पोस्ट शेयर की है वो गलती से शेयर की है और आप जो है वो पोस्ट भी उसके अंदर से रिमूव हो गई है, और डिटेल में भी बताएंगे कि किस तरह से वो पोस्ट अब रिमूव हो चुकी है। उसके बाद आप इसको साबित करने के लिए कोई फ़ोटो भी लगा सकते हैं, और इसके बाद इसके अंदर क्लिक करेंगे कि माई कंटेंट वॉज रिमूव ड्यू टू वायलेशन ऑफ फेसबुक टर्म्स और सर्विसेज, और उसके बाद आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डाल सकते हैं अगर आपका है। अगर नहीं है तो आप जस्ट सिर्फ अपना नाम लिख के सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। और इस फॉर्म के सबमिट होने के 48 से 72 घंटों के अंदर आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके।